हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगी कि हमारे रोज़ प्लांट पर ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमें इसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। यूं ही हम जब कभी इस तरह से प्लांट्स को फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देंगे तो वो भी आपके प्लांट को नुकसान पहुँचाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचानें कि हमारे रोज़ प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। रोज़ प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है और इसका हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। यूं तो ये ग्रोथ करता रहता है, लेकिन इसकी रोज़ प्लांट की कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, और यदि उनका ठीक तरह से उनकी केयर नहीं की जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो पहला सिम्टम है कि आप चेक करिए कि आपके प्लांट की पत्तियाँ हैं वो पीली तो नहीं पड़ रही हैं। यदि आपकी प्लांट की पत्तियाँ इस तरह से पीली पड़ती हैं तो आप समझिए कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, और उसके हिसाब से फिर इसमें फर्टिलाइज़र देना होता है। दूसरा है, यदि आपके प्लांट में ग्रोथ काफ़ी हो रही है, प्लांट चारों तरफ से हरा भरा हो रहा है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो भी आप समझ जाइए कि इसमें अब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। यदि आपका प्लांट बड़े फ्लावर देता है और अचानक से उसमें फ्लावर की जो साइज़ है वो छोटी होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप समझें कि आप इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उपयुक्त आप उसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। क्योंकि रोज़ प्लांट अलग अलग वैरायटीज़ में आते हैं, कुछ बटन रोज़ भी होते हैं, चाइनीज़ रोज़ होते हैं, देसी रोज़ होते हैं, ग्राफ्टेड, हाइब्रिड, सब तरह के रोज़ होते हैं। तो उनसे आप पहले फ्लावर की अपने उसकी साइज़ देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि लगातार उसमें छोटी छोटी साइज़ के फ्लावर आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इसमें कुछ कमी है जो कि हमें आप सही तरह से उसकी केयर करनी पड़ेगी। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि इस प्लांट में बर्ड्स आ रही हैं लेकिन वो फ्लावर बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो फिर आप समझें कि आप इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और आप इसमें फर्टिलाइज़र दें। लीफ यदि आपको सिकुड़ी हुई नज़र आ रही हैं, सिकुड़ रही हैं और उनमें अच्छी तरह से कलर नहीं आ रहा है, शाइन नहीं आ रहा है लीव्स में, तो भी आप समझ जाइए कि प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें हमारे रोज़ प्लांट में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं जो आप दे सकते हैं। तो पहला फर्टिलाइज़र है, आप इसमें बर्मी कंपोस्ट डालिए जो कि इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा, और इसकी जो लीफ हैं यदि येलो पड़ रही हैं और उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, शाइन नहीं आ रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरा, आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या फिर आप उसका बनाना पील को ग्राइंड करके और उसका सॉलिड फर्टिलाइज़र भी सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लांट को चेक करते रहिए कि इसमें किसी तरह का फंगस अटैक तो नहीं है, इसके लिए आप उस पर नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी रोज़ प्लांट के बारे में। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।